मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को वृहद पैमाने पर किया जाएगा वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने किसी भी सूरत में पौधे सूखने नहीं देने का दिया निर्देश। जीएसटी लागू करने को लेकर वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री ने की बैठक। मंत्री मलैया ने अधिकारियों से जीएसटी की तैयारियों को लेकर किए सवाल। जीएसटी से रेलवे पर भी होगा असर। रेल किराए पर लगेगा 5% जीएसटी। जीएसटी लागू होने के बाद सर्कुलर जर्नी टिकट हो जाएंगे बंद। तत्काल टिकट के रद्द करने पर 50% रकम की होगी वापसी। आदिम जाति कल्याण मंत्री लाल सिंह आर्य ने आदिम और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने और विभागीय उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 3,536 विद्यार्थियों ने कराए रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 75% और CBSE बोर्ड में 85% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की फीस भरेगी राज्य सरकार। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति ने बीएड, बीपीएड, बीए, बीएड सहित अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों की फीस की तय। बीएड की फीस 32,000 से 39,000 तक की गई तय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सैटेलाइट GSAT-17 का फ्रेंच गुयाना से किया गया वृक्षारोपण प्रक्षेपण। करीब 3,500 किलोग्राम के उपग्रह से सामान्य सी बैंड, विस्तारित सी बैंड और एस बैंड में विभिन्न संचार सेवाओं को मिलेगी सुविधा। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक तौर पर दी मंजूरी। वित्त मंत्री की बनी अध्यक्षता में कमेटी विनिवेश के तौर पर तरीके तय करेगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों को राशन दुकानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देने का किया आग्रह। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से दुकानों के लाइसेंस में आरक्षण नीति के तहत आवंटन की कही बात। राज्य शासन ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता में गड़बड़ी करने पर बालाघाट जिला शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित। लोक शिक्षण कार्यालय जबलपुर के अटैच DEO पर मान्यता के नियमों का पालन नहीं करने का है आरोप। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में अकामी मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लिनिक का किया उद्घाटन। कहा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का प्राचीन गौरव लौटाने की जरूरत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा के घर पहुंचकर परिजनों से की संवेदना व्यक्त। लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर प्याज, मूंग, उड़द, तुअर की खरीदी जारी। अब तक प्रदेश में करीब 73 लाख क्विंटल मूंग, 69,000 क्विंटल उड़द और 9,000 क्विंटल अरहर की समर्थन मूल्य पर हुई खरीदी। चार जुलाई को देवशयनी ग्यारस के बाद 4 माह तक नहीं होंगे विवाह। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों का किया गया है निषेध। देव उठनी ग्यारस के बाद 19 नवंबर से शादियों के सीजन के फिर होगी शुरुआत। राजधानी सहित प्रदेश भर में अपेक्षाकृत बारिश न होने से किसानों के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तेज बारिश के लिए 2 दिन और करना होगा इंतजार।